तू क्या कर रही है मोबाइल में यार? अरे भी देखियो हमारी सुबह ही हो रही है। हम लोग आयरलैंड पे अभी भी एक्चुअली जैसे अभी कश्मीर ने जिक्र किया आयरलैंड पे है, वहाँ जाने की तैयारी थी आप लोगों की? अरे सब कुछ हो गया था, मैं शूटिंग कर रहा था OMG की दिल्ली में, तो वहाँ से मैंने शोज़ भी नहीं लिए, मुझे कई सारे शोज़ भी थे, वापस आया कि नहीं चलो कि बच्चों को और कैश को भी शुड ट्रैवल, बिकॉज बड़े टाइम से हम लोग सब बैक टू बैक बिजी हैं। बट फिर आने के बाद जो भी था क्या बोलते हैं इमिग्रेशन के जो भी प्रोटोकॉल्स थे और जो भी नया नया पता चल रहा है कि नया स्ट्रेन आ रहा है, तो वी ऑल वर वेरी एक्चुअली इट वॉज नॉट इमिग्रेशन, हमको पता ही नहीं था। तो हम लोग चार दिन से मैं फॉलोअप कर रही थी कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट्स के कुछ रूल्स बदल रहे थे, वही रूल्स की बात कर। तो फाइनली वो ये था कि जब आप बाहर जाओगे और आओगे तो आपको क्वारंटीन किया जाएगा। क्वारंटीन में भी प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन ये था कि हम बाहर जाके कुछ लेकर ना आए, यू नो दैट वुड बी वेरी इररिस्पॉन्सिबल फॉर अस, एंड यू नो बच्चों के साथ लेके जा रहे हैं, उनको कुछ ना हो जाए। फिर अभी हम पेरेंट्स हैं तो बाकी के भी पेरेंट्स का हमको ख्याल रखना है कि यू नो वी डिडंट वांट टू गेट ओमिक्रॉन और समथिंग बैक विद अस, कि हम वी आर क्वाइट रिस्पॉन्सिबल नाउ। वो जब 20-22 साल के ये रिस्पॉन्सिबल कैश और कुछ रहते होंगे, जाने की वजह क्या थी? जाने की वजह आपने इंस्टाग्राम नहीं देखा इतना मैंने इनके खूबसूरत पोस्ट, इनके मैंने खोज खोज के फोटो ही निकाली कि एट आई थिंक 50 में अगर ऐसा है तो फिर कमा ली है ना, जस्ट टर्न 50 लगती नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगी जेनिफर लोपेज की हम बात करते हैं तो वहाँ पे उनको भी यही कहा जाता है कि कब मालूम तो पड़ता नहीं है, आप मानती हैं आप इंडियन जेनिफर लोपेज हैं जैसे कश्मीर जैसे कृष्णा ने कहा? मैं 100% अब मानने लगे आपने बोलने के बाद। तो मैं तो ये बिलीव करती हूँ कि आपकी बॉडी, आपका हेल्थ, आपका लुक, आपका एज आपके हाथ में, तो आइदर इट इज वन डे और डे वन यू हैव टू स्टार्ट। अरे इनकी वजह से मुझे टेंशन होगी, मैं 2.5 साल से डाइट पर हूँ, मैं भी सही हो गया हूँ पहले से, मैच मेरे से 12 साल छोटा है लेकिन हाँ उसके बावजूद मैंने बोला ऐसा ना हो कि ये 50 मना रही हैं और मैं मना रहा हूँ 38 और लोग सोच रहे हैं 51 तो मैंने बोला नहीं यार मुझे थोड़ा लगाम देनी पड़ेगी। Okay, जैसे आप दोनों ने कहा भी, कश्मीर ने कहा कि हमें भी बहुत जिम्मेदारी लेनी है क्योंकि हमारे भी बच्चे हैं और हिंदुस्तान में भी बच्चे हैं और हमारे वजह से परेशान है, जिस तरह का ये नया वो भी एक मेजर इशू था। क्या कहना चाहेंगे अपने फैंस को कि वो कितना ध्यान रखें इन सब बात का? देखो हमने कैंसिल किए 8 टिकट्स, यू नो सबके, वी डिडंट केयर, वी लॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी, वी लॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी आल्सो, लेकिन मनी से ज्यादा मैं जो आपने जैसे कि कहा सबको, फैंस को और सबको यही कहूँगा कि थोड़ा सा अभी और जो है पिछली बार से अब ध्यान दें आप लोग, और अगर ट्रैवलिंग फ़न के लिए है तो ना करें, अगर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, काम होता है बहुत इम्पॉर्टेंट अर्जेंट है तो फिर सबको ट्रैवल करना पड़ेगा, लेकिन उसमें भी फिर सेफ्टी और प्रिकॉशन बी वेरी केयरफुल, वेरी वेरी केयरफुल। कृष्णा फ्रॉम द आउट ऑफ द बॉक्स यू सेड यू नो कि कैटरीना और जो शादी हो रही है, अरे ये पता नहीं किसने डाल दिया कि मैंने कब कहा, मैं दिल्ली में शूटिंग कर रहा था, जैसे मीडिया आती है, जैसे भी आप आए हैं मैं वहाँ पर भी मीडिया आई थी, उन्होंने मुझे बोला कि आप कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे कैटरीना और उनकी बहन, डेफिनेटली बिकॉज विक्की को तो हम लोग अब तो हम शिफ्ट हो गए लेकिन साथ ही में बिल्डिंग में हम नेबर्स हैं, और कैटरीना को मैं इतने सालों से उनको जानता हूँ, परफॉर्म भी हमारे साथ कई शोज़ में भी आ चुकी हैं, तो मैंने उनको बहुत गुड लक विश किया
बोले, उन्होंने मुझे पूछा क्या तैयारियां चल रही है, मैंने बोला वो अभी अंदर ही अंदर चल रही होंगी क्योंकि किसी को तो पता तो है नहीं, हमको हमारी शादी का पता नहीं था, उनके कैसे पता चलेगा, कैसे पता होगा। लेकिन मैंने अपनी तरफ से गुड विशेस दिए, फिर पता नहीं मीडिया में कुछ आ गया कि मैंने कहा है कि वो 9 दिसंबर को कन्फर्म हो गई है शादी। अरे मैं विकी कौशल का छोटा भाई थोड़ी हूँ। शादी का सीजन चल रहा है, अंकिता लोखंडे, हाँ या वी आर गोइंग फॉर दैट वेडिंग, क्या कहना चाहेंगे? अंकिता को भी कांग्रेचुलेशंस, वंडरफुल पर्सन, और अंकिता के साथ भी हमने क्या बोलते हैं इतने साल बिताए हैं, हमने काम भी किया है साथ में, शी इज माय फ्रेंड, सो आई रियली दोस्त हैं, और आई एम वेरी एक्साइटेड, संगीत पे डांस करूंगी, हाँ हाँ एक्साइटेड हम लोग। आज से डाइट चालू हो गया वापस। सर सो आप यहाँ आए हो, अंदर क्या कुछ धमाका होने वाला है? अंदर धमाका ही होने वाला है कि आज से मेरी डबिंग शुरू हुई है, आज धमाका ये होगा कि ये मेरे साथ धमाका करेंगे, मेरी डायरेक्टर भी है ना, तो अभी जैसे मैं अंदर जाऊंगा तो ये वाइफ यहाँ से हट जाएंगी और फिर डायरेक्टर आ जाएगा कि इसको ढंग से बोलो, ऐसे क्यों नहीं बोल रहे हो, वैसे करो, ये तुमने क्या किया है, तो फिर ऐसा शुरू होने वाला, तो बाकी धमाका ही होने वाला है। मैंने ज्यादा करके मैं प्रेज ही करती हूं। आपने 50th बर्थडे सेलिब्रेट किया, तो सर ने क्या सेलिब्रेट करा है या करने जा रहे हैं, और क्या सरप्राइज दिया आपने, कुछ दिया कि नहीं दिया? अरे वो गाड़ी से उतरे, वही सरप्राइज था, उन्होंने मुझे बताया नहीं था। अभी जब ये अंकिता की शादी पे आप लोग पक्का होंगे तो फिर ये जो ज्वेलरी पहनेंगी तो वो भी आपको दिखा देंगी कि ये मुझे सरप्राइज था, अब इससे ज्यादा क्या सरप्राइज दूंगी। क्या बर्थडे सेलिब्रेट करने का कोई इरादा, क्या सेलिब्रेशन होगा या जैसे आपने छोटा सा घर पे कर दिया? हमने घर पे हमने कर दिया दोस्तों के साथ, बहुत दोस्तों भी नहीं मतलब दो चार, आज रात को मैं कर रही हूँ, मेरे लड़कियों को लेके जा रही हूँ पार्टी करने के लिए। इनकी रोज इनकी बोलते ना सेलिब्रेशन वीक चलता है लड़कियों का, बोलते ना एक हफ्ता अभी मेरा बर्थडे वीक है, दिस माय बर्थडे वीक, इनका चल ही रहा है पार्टी, आज रात को जा रहे हैं। करके एक फोटो डाला था उसमें काफी लोगों ने आप पहले तो आपको प्रेज किया लेकिन ट्रोलर्स भी बहुत थे। अरे छोड़ो ट्रोलर्स को, आई डू नॉट गो फॉरवर्ड बाय स्टंबलिंग बिहाइंड, सो फॉरगेट द ट्रोलर्स, ट्रोल करने से पता नहीं क्या, मैं तो देखता भी नहीं, हम लोग पढ़ते भी नहीं। चलिए थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, लव यू, लव यू। कश्मीर फसल।